أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا محمد، تجھے شاہد و سرا مان لیا، یا محمد تجھے شاہد و سرا مان لیا، پیروی ہے تیری معبود رسا مان لیا، اور کیا تجھے سمجھے کوئی جب تیرے ایک بندے کو باز اللہ کے بندوں نے خدا مان لیا. نعرہ حیدری یا علی، خوشنود یہ محمد والے محمد صلوات. اللہم صل علی محمد والے محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کے چند فقرے مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ان سلسلے آیات کی روشنی میں جو موضوع زیر بحث ہے اس کا ظاہری عنوان ہے ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک. موضوع بہت اہم ہے، خود یہ عنوان ہمارے حال کو ماضی سے جوڑ دیتا ہے، اور خود یہ عنوان ہمارے تابناک اور نورانی ماضی کو ہمارے حال اور مستقبل سے جوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ آج اس سلسلے گفتگو کی اس عزاخانے میں
आखिरी मजलिस है। ये उन्वान गुफ्तगु ऐसा है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मौजू है गुफ्तगु ऐसा है जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। ये कोई सिर्फ एक नज़रियाती मौजू नहीं है, एक नज़री उन्वान नहीं है, एक फ़िक्री उन्वान नहीं है। फ़िक्र से अमल तक और अमल से फ़िक्र तक ये उन्वान हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होना चाहिए। मैंने गालिबन पहली ही मजलिस में गुजारिश करने की कोशिश की थी कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके लिए अभी तक विलायत गदीर रोशन नहीं है, और बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके लिए विलायत फ़कीह रोशन नहीं है। लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम इरशादात गिरामी अगर सामने रखें, खुसूसियत के साथ वो इरशादात जो मुतवातिर हैं, जो सहीहुस सनद हैं, और मुतवातिर तो फौक सहीहुस सनद होता है, अगर उन सब को सामने रखें तो फिर मेरी ये तालिब इल्माना गुजारिश आप कभी भी फरामोश नहीं करेंगे कि पूरा क़ुरान मजीद अपनी तावीली हकीकत के लिहाज से विलायत गदीर से जुड़ा हुआ है। पूरा क़ुरान मजीद तावीली हकीकत के लिहाज से, और इसके लिए मशहूर तरीन हवाला वही है कि एक नई मुतअद्दिद मर्तबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मुतअद्दिद मर्तबा कि मैं तंजील क़ुरान पर जंग कर रहा हूँ, मेरा अली तावील क़ुरान पर जंग कर। ये गैर मामूली बयान है मकाम ख़त्म नबूवत का। अगर हमारे मुसलमान दानिश्वर, मुसलमान फुकहा, मुज्तहिदीन, उलमा, आम बात कह रहा हूँ, मुसलमान जो भी कलमे इस्लाम ज़बान पे जारी करते हैं और जो भी ख़ुद को इस्लाम से मुंतसब करते हैं, जो भी ख़ुद को इस्लाम से मंसूब करते हैं, उनके सामने अगर हज़रत का ये इरशाद गिरामी रहे कि हज़रत ने ख़ुद फरमाया है कि मैं जंग कर रहा हूँ तंजील क़ुरान पर, अली जंग करेंगे तावील क़ुरान पर, किसी भी रिवायत में किसी और का नाम तो नहीं लिया, किसी भी रिवायत में मुतअद्दिद मकामात पर, लेकिन किसी भी रिवायत में किसी और का नाम नहीं लिया। जब भी नाम लिया तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम का। अगर ये रिवायत पेश नज़र रहे तो फिर कोई हकीकत पोशीदा नहीं रह जाती। फिर मेरा इस तालिब इल्म का, इस आजिज़ का वो जुमला भी आप हजरात के लिए जो मुतअद्दिद बार अर्ज़ कर चुका हूँ, इस मरतबा भी पहली मुहर्रम को मैंने गुजारिश किया था वो जुमला कि माह मुबारक रमज़ान तंजील क़ुरान का महीना है और मुहर्रमुल हराम तावील क़ुरान का महीना है। ये बहुत अहम फिक्री उन्वान है। अगर ये बातें ज़हन आली में रहें तो विलायत गदीर रोशन से रोशन तर होती जाएगी, और इन आयात में, इन आयात की वो तफसीर जो अइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुंची है, फिर वो नाकाबिले यकीन नहीं महसूस होगी बल्कि बदीही महसूस होगी, सामने की बात महसूस होगी, ज़रूरी महसूस होगी। मैं ज़रा सी तवज्जो आपकी आयात के सिलसिले की तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इरशाद इलाही क्या है, या अय्युहल लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान लाने वाले वालों, अल्लाह का लिहाज करो और वो बात कहो जो सच्ची और सीधी है। ज़िंदगी के तमाम अक़वाल व अफ़आल पर ये कौल मुहीत है, लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू ये बताता है ये किसी ख़ास कौल की तरफ इशारा है। जो बात कहने की है कहो, छुपाओ नहीं, मकसद ये है। खुदा का लिहाज करो, जो बात कहने की है, जो मजबूत बात है, जो सच्ची बात है, जो सीधी बात है, उसे कहो छुपाओ नहीं। अइमा अहले बैत से मरवी रिवायात की रोशनी में खुद ये कौल सदीद सिवाय कलिमा विलायत के और कोई कौल नहीं है। जिंदगी का हर अमल जाहिर है, बातकवा इंसान का हर अमल सही होना चाहिए। जो बात आप जबान से कहें सच कहें, किज़्ब से जबान आशना ना हो, ये एक शान मोमिन है। मोमिन की एक शान यह है कि किज़्ब से, गलत बयानी से जबान आशना ना हो। यहाँ झूठ का लफ्ज़ मैं भी तकरीर में पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन ये अजीब व गरीब दुनिया है। मुझे पार्लियामेंट की एक गुफ्तगू याद आ रही है, एक साहब ने एक दूसरे से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, कहा जी हाँ ये ठीक है। तो बहरहाल कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, हालांकि अब तो मिंबर पे मैं बहुत से ऐसे कलिमात इस्तेमाल कर चुका हूँ जो मैं ख़ुद इस्तेमाल नहीं किया करता था, या अब भी मैं पसंद नहीं करता हूँ कि वो इस्तेमाल हो, लेकिन मजबूरन कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो कौल सदीद सीधी सच्ची बात कहो, ज़िंदगी में हर मौके पे सीधी और सच्ची बात कहनी चाहिए। उलझी हुई बात, गलत बयानी से काम लेना न शान एक इंसान के शान के मुताबिक है, न शान मोमिन। लेकिन फिर भी इस सिलसिले आयात में यहाँ पर एक ख़ास आहंग के साथ कहा जा रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान लाने वालों अल्लाह का लिहाज करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और वो बात कहो जो सच्ची और सीधी बात है। यानी गोया कहा यह जा रहा है मोमिनीन से कि खुदा का खौफ करो, जो ऐलान गदीर में हुआ है उसे छुपाओ नहीं, कहो। मैं पूरी जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, कूलू कौलन सदीदा, कहो वो बात जो कहने की है, जो सीधी और सच्ची और मजबूत बात है, जो मुस्तहकम है। हाँ, आसानी से ये तर्जुमानी कबूल नहीं करेंगे लोग, मुझे मालूम है। और वो जहन जो एक बन गया है एक अरसे से, खुद हमारे यहाँ मोमिनीन के दरमियान, मुस्लिमीन के हलके का एक ऐसा असर पड़ा है मोमिनीन के दरमियान कि बहुत से हजरात मुझसे ये तर्जुमानी कबूल नहीं करेंगे, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन मैं पूरी ज़िम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, जिस मीज़ान पर चाहें गुफ्तगू कर लें, कलामी मीज़ान पर, तफसीरी मीज़ान पर, हदीसी मीज़ान पर, उसूली और फ़िक्ही मीज़ान पर, पूरी ज़िम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, इद्दिआ नहीं कर रहा हूँ, तालिब इल्माना दरख्वास्त कर रहा हूँ, आजिज़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तर्जुमानी इस मकाम पर, ए ईमान लाने वालों अल्लाह का खौफ करो, अब यहाँ है अल्लाह का खौफ करो, अब ये तर्जुमा अच्छा लगेगा आपको। इस कॉन्टेक्स्ट में ये तर्जुमा अच्छा लगेगा, अल्लाह का खौफ करो, अली की विलायत को छुपाओ नहीं, विलायत गदीर का इनकार ना करो, जो सीधी और सच्ची बात है उसका ऐलान करो। इसका इनाम क्या होगा, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे तमाम काम अल्लाह बना देगा। व
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری خطا پوشی کرے گا, تم سے گناہ سرزد ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, اللہ بہت غفار ہے, غفور الرحیم ہے, وہ خطا پوشی کرے گا, تمہارے کام بنائے گا اور تمہارے بگاڑے ہوئے کام سدھارے گا اور معاف فرمائے گا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ, اور یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا, وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ایمان لائے, جو بھی کلمہ پڑھے, جو بھی سیدھی سچی زندگی بسر کرے وہ کامیاب ہوگا, لیکن یہ آہنگ بتا رہا ہے کہ کسی خاص بات کو سامنے رکھا گیا ہے, اس لیے یہاں بریکٹ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے, مقدر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, علی کی ولایت کے سلسلے میں اطاعت کرے گا وہی بلند ترین کامیابیوں تک پہنچے گا. واضح ہے, یہاں یہ چیز پوشیدہ ہے. اب یہ جو چیز پوشیدہ ہے اسی کی طرف الف لام امانت کا اشارہ ہے کہ انا عرضنا الامانت, ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, سب نے یہ امانت لینے سے گریز کیا, لرز گئے, خوف میں مبتلا ہو گئے, وحملها الانسان, اور ایک فرد بشر نے اس بار کو اٹھا لیا, اور وہ تو بڑا ستمگار اور بڑا ہی نادان ہے. اور فرمایا یہ سلسلہ آیات, اسی لیے اس کے بعد مقطع سخن میں سورہ احزاب میں مومنین اور منافقین کی آزمائش کا تذکرہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے, واضح ہیں, پورے قرآن مجید کی تعویلی حقیقت وابستہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی اگر ہر شے کا ظاہر ہے اور باطن, تو توحید ظاہر ہے, ولایت باطن, اور یہ ظاہر اور باطن بھی عزیزان گرامی, ظاہر اور باطن بھی نسبی ہے, ریلیٹو ہے, اضافی ہے. ادھر سے دیکھیے تو ایک چیز ظاہر ہے اور دوسری چیز باطن, ادھر کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ چیز ظاہر ہے اور یہ چیز باطن. یعنی ایک رخ سے دیکھیے تو توحید ظاہر ہے, ولایت باطن, ادھر سے دیکھیے تو ولایت ظاہر ہے, توحید باطن. یہ صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یعنی یہ خطیبانہ نکتہ آفرینیاں نہیں ہیں, یہ گہرے مطالب ہیں عرفانی, جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں گزارش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ اضافی حقیقت ہے. کتنی بار آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں وہ دونوں حدیثیں, شاید اس سلسلے گفتگو میں بھی میں نے گزارش کی تھی, دونوں حدیثیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں. اس سلسلہ نورانی کے ساتھ وہ سلسلۃ الذہب, کہ جس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے, اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے اور بزرگان ملت اسلامیہ نے کہا ہے, کہ اگر صرف یہ سلسلہ سند پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے. اور حقیقت ہے, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا, کیسا ہی دیوانہ ہو, در اہل بیت پر آ جائے گا, نام گرامی اہل ائمہ اہل بیت سن لے گا, اس کے کانوں میں یہ نام پڑ جائیں گے تو اسے ہوش آ جائے گا, عقل آ جائے گی, اس کی معرفت کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہی تو سبب ہے, ایک جملہ عرض کروں یہاں پر, بڑی لطیف سی بات ہے, پوری دنیا جو کوشش کرتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے کانوں میں اہل بیت کا نام نہ پڑنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیوانہ بنا رکھا ہے, غافل بنا رکھا ہے, غافل بنا رکھا ہے, دیوانہ بنا رکھا ہے, اپنے اپنے سیاسی مفادات کا شکار بنا رکھا ہے, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہیں علی کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے, کہیں حسین کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے,
कोशिश ये होती है। और खुद आपके आइम्मा हदीस कह रहे हैं कि अगर दीवाने पर भी ये नाम दम कर दिए जाए तो वो होशमंद हो जाए। और हमारे नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बावादे बुलंद जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आप मेरी इस कमज़ोर सेहत में मुझे बड़ी मदद कर रहे हैं माशाल्लाह, सहारा दे रहे हैं। खुदा आप सब हजरात को सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं और मरीज़ हैं, बतौर ख़ास हमारे मस्जिद शाबान में जो मोमिनीन की तरफ से मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहे और मुझसे वादा लिया और अहतमाम करते रहे और रोज़ाना मजालिस का अहतमाम कर रहे, नवीद साहब परवरदगार उन्हें भी सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। हमारे यहाँ इस ट्रस्ट के मसूलीन में खलीक काजमी साहब परवरदगार उन्हें सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। और जितने मोमिनीन हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, ज़ाकिरीन हैं, परवरदगार सबको सेहत अता फरमाए। ख़ास तौर से मैं हकीम उल उम्मत जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब क़िबला के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ। आप सब हजरात दुआ फरमाए, परवरदगार उन्हें सेहत और आफ़ियत अता फरमाए, तूल उम्र अता फरमाए, और उनके हाथों से जो मिल्लत के जवानों के लिए तालीम के चराग रोशन हुए हैं, उन चरागों की लौ और बढ़े, जहालत की तारीकी छटे और इल्म की रोशनी, तालीम की रोशनी फैले। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। बहरहाल सिलसिले गुफ्तगू आप हजरात के जहनों में महफूज होगा कि इंशाल्लाह आप सहारा देते रहेंगे तो आज गुफ्तगू किसी एक मंजिल तक पहुँचेगी। कि मैंने अर्ज़ किया कि एक तरफ से देखिए तो तौहीद ज़ाहिर है और एक तरफ से देखिए तो विलायत ज़ाहिर है। तौहीद ज़ाहिर है, विलायत बातिन, विलायत ज़ाहिर है, तौहीद बातिन। ये वो दो हदीसें जो एक ही सिलसिले सनद से पहुँची हैं, सिलसिले सनद जो मासूमीन से। एक जगह मासूम ने फरमाया कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुबहानहु व तआला, हदीस कुदसी। हक सुबहानहु व तआला फरमा रहा है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, किला। अब सिर्फ इस चीज़ की तशरीह के लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं पहले कर चुका हूँ कि किले के मानी क्या होते हैं, कलेमे के किले बन जाने के क्या मानी है। भाई ये तो कलेमा है, अल्फाज हरूफ का मजमुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलेमा, इसे परवरदिगार फरमाए ये किला है मजबूत। ये तसव्वुर कैसे रोशन होगा? इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, आपके लिए फ़िक्रंगेज़ है या नहीं? एक जुमला है, परवरदगार कह रहा है ये किला है मेरा। भाई किले के तो मजबूत बुनियादें होती हैं, दीवारें होती हैं, ऐवान होते हैं, किले में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इससे मुराद क्या है? यहाँ लफ्ज़ हिस्न किला क्यों इस्तेमाल हुआ? बलागत रब, तवज्जो है। बहरहाल अब ये सिर्फ एक इशारा है कि आप हजरात सोचते रहें। मैंने मुख्तसरन इसे बयान कर चुका हूँ, इसलिए कहीं ढूंढिएगा मिल जाएगी वो तकरीर तो सुन लीजिएगा, और नहीं मिलेगी तो फिर याद दिला दीजिएगा, कभी फिर पढ़ दूंगा। दूसरा फिक्रा कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। दूसरा जुमला क्या है मासूम इसी सिलसिले सनद से, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। दोनों जुमले उसी सिलसिले से पहुंचे। अब इन दोनों जुमलों में निस्बत क्या है? मैंने अर्ज किया इज़ाफ़ी,
किसी के लिए इजाफी हमारी नस्बत से है, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो तौहीद असलुल उसूल है, तौहीद असल है, विलायत उसकी फर्अ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन हमारी नस्बत से इजाफी है, किसी के लिए तौहीद जाहिर है और उसके लिए विलायत बातिन, और किसी के लिए विलायत जाहिर है और तौहीद बातिन। और ये इल्मी मरातिब में भी आता है, कहीं कोई चीज़ जाहिर होती है और कहीं कोई चीज़ बातिन होती है। इल्मी मराहिल में, इल्मी मरातिब में, फिक्री मराहिल में, विजदानी मरातिब में, किसी हकीकत को परसीव करने में और कंसीव करने में, अपने परसेप्शन में लाने में और फिर अपने विजदान में लाने में, किसी हकीकत को पा लेने के मरातिब होते हैं। समझ रहे हैं आप? किसी हकीकत को पा लेने के मरातिब होते हैं। उस पा लेने के मरातिब में हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कभी कोई चीज़ जाहिर होगी, कभी कोई चीज़ बातिन। तो ये इज़ाफ़ी और नस्बी हकीकतें हैं, लेकिन बहरहाल तौहीद और विलायत का एक दूसरे से रब्त है। इन आयात में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, वमन युति अल्लाह व रसूलहु फकद फाज फौजन अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वही कामयाबी पाएगा, फौजन अज़ीमा। ये फ़िक्रा फौजन अज़ीमा का आप हजरात को तो ज़बानों पर रोज़ जारी होता होगा जब ज़ियारत इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलाम पढ़ते हैं। तो याद रखें कि हकीकत विलायत और खुसूसियत के साथ विलायत अमीरुल मोमिनीन, विलायत अइम्मा अहले बैत, जो दर असल विलायत रसूल है और वो दर असल विलायत अल्लाह सुबहानहू व तआला, ये रोशन होनी चाहिए। मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े और वो उस फौज अजीम के दर्जे पर फायज हो जाए बगैर अली वलीउल्लाह के। ये आपके लिए अब रोशन हकीकत है। इस अली वलीउल्लाह से वाबस्तगी और इस फौज अजीम तक पहुंचने के लिए हमारे लिए और भी इस दौर में मुश्किलात हैं। ये दौर जो दौरे गैबत कहलाता है, दौरे गैबत, इमाम मासूम पर्दे गैब में, इमाम मासूम पर्दे गैब में है तो इमाम मासूम से रब्त और रिश्ता कैसे होगा? कुलू कौलन सदीदा, वो बात कहना जो सीधी सच्ची बात हो। कुलू कौलन सदीदा, वो बात कहना जो सच्ची और सीधी बात हो। ये सच्ची और सीधी बात का ढूंढना ही तो एक कमाल है। इतना मजमुआ हदीसों का है, अहादीस का इतना मजमुआ है, और हमारे यहाँ अहादीस का कितना अंबार है, लफ्ज अंबार इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंबार है हदीसों का जिसमें सच्ची सही हकीकी मुतवातिर हदीसें दब गई हैं, दबा दी गई हैं, और बातिल सरकश तवागीत बागियों और तागियों और यागियों ने, सरकशों ने अपने दरबारों में न जाने कितनी झूठी हदीसें गढ़ गढ़ कर, पैसे दे देकर हदीसें गढ़वा के एक अंबार हदीसों का है, झूठी हदीसें, गलत बयानियों का एक अंबार, झूठी हदीसों का एक अंबार, गढ़ी हुई मन गढ़त हदीसों का एक अंबार। इन हदीसों के दरमियान से कौल सदीद कैसे तलाश किया जाए? कौन ढूंढेगा? कौन कमर कस के आगे बढ़ेगा इस मुहिम के लिए? अगर मिल्लत का हर फर्द मशगूल हो जाए, हर, हम कहते हैं सब पे वाजिब है, आप जाइए पढ़िए और ढूंढिए कि सच्ची हदीस कौन सी है और झूठी हदीस कौन सी है, और जो सच्ची मिले उस पर अमल कीजिए। आपके लिए आसान है ये नुस्खा, तरीका आसान है? आसान तो नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए आजकल पूरी दुनिया में एक बीमारी फैली हुई है, कोरोना। बीमारी की बीमारी है, सियासत की सियासत है, अजाब का अजाब, तीनों बातें मैं सोच समझ के गुफ्तगू कर रहा हूँ। बीमारी की बीमारी है, सियासत की सियासत है, अजाब का अजाब।
अब अगर ये कह दिया जाए सारी हुकूमतें ये ऐलान कर दें और सब लोग ऐलान कर दें कि भाई आप में से हर शख्स जाए और इलाज ढूंढे, वैक्सीन तलाश बनाए, घर घर अब मालूम हुआ हर आदमी सब काम छोड़ के कोरोना की दवा बन रही है, मुमकिन है? यानी कुरे अर्ज पे जितने इंसान हैं सब किस चीज़ काम में मशगूल हैं, सब कोरोना की दवा बना रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, उनके लिए वाजिब किफाई होगा कि वो जाएं और पूरे इंसानी माशरे के लिए नुस्खा तलाश करें, और नुस्खा जब मिल जाए तो लाके सामने रख दें। यही हमें और आपको करना है कि इस अंबार में से, हदीसों के अंबार में से सही हदीसें तलाश करके अमल करने के लिए, अवामुन नास के लिए रोशनी बिखेरने के लिए कुछ अफराद चाहिए जो बजाय खुद मनारे नूर बन जाए। मनारे नूर बन जाए। तो ये फुकहा ये हमारे सामने मासूम की गैबत में मनारे नूर हैं। ये इमाम खुमैनी एक मनारे नूर का नाम है, आयतुल्लाह खुई एक मनारे नूर का नाम है, इमाम खामेनेई एक मनारे नूर का नाम है, इमाम सीस्तानी एक मनारे नूर का नाम है। ये सब मनारा है नूर है, ये सब मनारा जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, किस लिए? ताकि उस अंबार में से कौले सदीद लाके आपके सामने रख दें। एक सलावत पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाले अब तेजी से बहसें बहुत हैं और अहम बहसें हैं फिक्री। देखिए आज बर्दाश्त करते रहिए, आज इस गुफ्तगू को थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए मेरे साथ, और हरचंद के हमारे यहाँ इस इमाम बारगाह में हमारे खोजा मोमिनीन वाला निज़ाम नहीं है, यानी यहाँ कोई मुखी घड़ी नहीं दिखाता, मगर बहरहाल मुझे खुद वक्त का हाल, वक्त का ख्याल रहता है, मगर आज अगर किसी के जहन में आए घड़ी दिखाने का ख्याल तो वो अपनी जगह खामोश बैठा रहे, वरना मेरे इताब का शिकार हो जाएगा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये फर्श अज़ाए हुसैन है, एक जुमला कहूँ, अपना गम समझ के मनाया कीजिए, पराया गम समझ के नहीं। इंसान अपना गम घड़ी देख के नहीं मनाता है, पराए गम में जब पुरसा देने के लिए जाता है तो घड़ी देख के जाता है, आधे घंटे बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, पुरसा देंगे, चले आएंगे, लेकिन जब अपना गम होता है तो फिर ज़मान मकान से मावरा होता है। हम जमा हुए हैं आज रोने के लिए, मातम करने के लिए, पुरसा देने के लिए बीवी जहरा को, लेकिन तमहीद में ये फ़ज़ाइल और ये मतालिब और ये पैगाम, ये मैसेज भी ज़रूरी है जिस पे गुफ्तगू हो रही है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले, ये फुकहा की अपनी जगह एक मंजिलत है, और इन फुकहा का ताल्लुक़ है, फुकहा का कुल तकद्दुस, कुल एहतराम मरहून मिन्नत नस्बत गदीर है। काबिल तो बहुत से हैं ज़माने में, दुनिया में अरबीदा बहुत हैं, उसूली बहुत हैं, फ़कीह बहुत हैं, मुश्तहिद बहुत हैं, बहुत हैं मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में, मगर क्या हम सब के लिए आँखें बिछाते हैं? क्या हम हर एक के आगे अपना दीदो दिल फर्श राह करते हैं? नहीं, किसके लिए करते हैं? वो जहाँ से खुशबू विलायत गदीर आ जाए। यानी एक जुमले में कहूं, हमारे लिए वली फकीह वही होगा जो मुहाफिज़ विलायत गदीर होगा। जो मुहाफिज़ विलायत गदीर नहीं है वो हमारे लिए असल न फकीह है, न विलायत, न वली फकीह। जो मुहाफिज़ जिसके हाथ में परचम विलायत गदीर है वो है वली फकीह।
अब इसके बाद जो जुज़ी बहसें हैं ना, मेरे पेशे नज़र हैं कि कहाँ उलझ जाते हैं आप या उलझाए जाते हैं, उसके लिए फिर कभी और इंशाअल्लाह। कुल्ली बात, फाउंडेशंस रोशन हो जाएं, बुनियादें रोशन हो जाएं कम से कम इस गुफ्तगू में। एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, एक बहुत पुरानी बहस है कि इस्लाम में जमहूरियत है या नहीं, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत क्या है उसमें। और आजकल पूरी दुनिया में हर शख्स को सबसे महबूब नज़रिया कौन सा है? जमहूरियत। जमहूरियत में ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं निचोड़ के ख़ुलासा बताइए कि जमहूरियत में वो कौन सी बात है जो हर शख्स के लिए दिल आवेज़ है। हर शख्स क्यों दाद देता है जमहूरियत, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्यों, वजह क्या है, कौन सी दिलचस्प बात है इसमें? हर शख्स के लिए, छोटा बड़ा, मर्द औरत, सब के लिए जमहूरियत सबसे अहम बात है। एक मुगालता यह है कि हर फर्द अपना हिस्सा इख्तदार में चाहता है, हर फर्द अपना हिस्सा चाहता है कि इख्तदार में रहे, मेरी हुकूमत है, अवाम कहें कि हमारी हुकूमत, किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं है, किसी एक फर्द की हुकूमत नहीं है, बादशाहत नहीं, नफरत है। क्यों? वो एक बादशाह है, वो बैठा हुआ है, वो हम सब पे हुकूमत कर रहा है, हमें गुलाम बना लिया है, हर मुल्क पर उसी का कब्जा है, वो मालिक है, हम तो कुछ है ही नहीं, इसलिए नफरत है बादशाहत से। और इस कबील के जितने नज़रियात हैं, जहाँ एक फर्द के हाथ में इख्तदार आया वहाँ पर अवाम बेबस हो जाते हैं, है ना। यही एक दिलावेज ख्वाब दिखाया गया कि देखो जमहूरियत वो निज़ाम है जिसमें तुम सब की शमूलियत है। सच बताइएगा, दिल की कसम खा के, अपने अपने दिल और ज़मीर की कसम खा के बताइएगा, दुनिया में जहां जहां जमहूरियतें हैं क्या वाकई अवाम इख्तदार में है? अपने अपने दिलों की कसम खाइएगा, सीने पे हाथ रखिए, बताइए जब एक शख्स इख्तदार में आ जाता है, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब हो या हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब हो, आप हिंदुस्तान में जाके आज आवाम से पूछें, वहां के किसानों से पूछें, तुम आजाद हो, तुम हुक्मरान हो, तुम हुकूमत कर रहे हो, ये हुकूमत तुम्हारी है? अमेरिका में पूछें आवाम से, तुम्हारी हुकूमत है? गौर फरमाइए आप, जब एक शख्स आप ही चुन के मुंतखब करके उसे उस कुर्सी इख्तदार पे बैठा देते हैं तो उससे बड़ा कोई फिरौन नहीं होता दुनिया। आपसे जिस वक्त वोट लेना होगा, आपकी आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद जिस वक्त कुर्सी इख्तदार पर पहुंच जाएंगे, आपकी कोई हकीकत नहीं है उनके सामने, ना आपसे मुलाकात का वक्त है, ना आपकी बात सुनने का वक्त है। जो कानून चाहा बना दिया, आप तस्लीम करें तो बहुत अच्छा, तस्लीम ना करें तो रौंद देंगे, रौंद देंगे, गोलियां चलाएंगे, जेल में भर देंगे, कुछ करेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। जिस वक्त वोट लेना था तो आपके सामने आए, जिस वक्त वोट मिल गया तो अब उसके बाद क्या ये जमहूरी हुकूमत है? अगर तागूत नहीं है तो फिर क्या है? ये तागूत नहीं है तो क्या है? और फरमाया आपने, तो अमलन हकीकतन आपके लिए सराब है और ख्वाब, ख्वाब है और सराब, जमहूरियत इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग कहेंगे कि आज 21वीं सदी में मौलाना साहब कैसी मौलवियाना बातें कर रहे हैं, मौलवियाना बातें यानी के ख्वाब है और सराब, धोखा है और फरेब, झूठ है और गलत बयानी, हकीकत ही हकीकत में जमहूरियत कहीं नहीं मौजूद है। कुरे अर्ज पर, इस कुरे अर्ज पर जमहूरियत कहीं मौजूद नहीं है। और जो जमहूरियत में मुगालते हैं, जो फैलेसीज हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो अल्लामा इकबाल ने दो मिसरों में बयान कर दिया है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, गिना करते हैं,
हाँ एक मौके पे सिर्फ तौलते हैं जब खुद कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, फिर तमाम अवाम चाहे एक करोड़ हो चाहे एक अरब हो चाहे दस अरब हो चाहे पूरी रूए जमीन की अवाम हो, वो एक पल्ले में और आप एक पल्ले में, क्योंकि आप इख्तदार में। गौर फरमाएं आप, यह है जम्हूरियत जो बहुत दिलावेज बना के पेश की गई है, बहुत दिलावेज, हर इंसान के दिल की धड़कन जम्हूरियत है। लेकिन याद रखिए कि कुरान मजीद ने, रसूल इस्लाम ने, अइम्मा इस्लाम ने, हक सुबहानहु व तआला ने जो नुस्खा, जो निज़ाम मुआशरे इंसानी, तमाम मुआशरे इंसानी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मुस्लिम या मोमिन, शिया या सुन्नी मुआशरों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे निज़ाम पूरे मुआशरे इंसानी के लिए जो निज़ाम इंट्रोड्यूस किया है और दिया है, वो निज़ाम ना मुलूकियत का निज़ाम है, ना जम्हूरियत का निज़ाम है, ना इश्तराकियत का निज़ाम है, ना इश्तेमालियत का निज़ाम है, वो निज़ाम निज़ाम विलायत है। विलायत में किसी एक फर्द की हुकूमत नहीं होती, विलायत में हुकूमत होती है खुदा की, और वली होता है सरपरस्त। हाकिम और सरपरस्त के तसव्वुर में बहुत फर्क है, हाकिम और सरपरस्त के तसव्वुर में जमीन ता आसमान फर्क है। और इस विलायत के नजरिए को तमाम अफराद बशर तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी और आपकी आजादारान हुसैन, हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि यह निजाम विलायत जिसका सबसे बड़ा मेंबर नस्ब किया गया गदीर में, और जब मेंबर की आवाज दबाई जाने लगी तो नैजे पर चढ़कर आवाज बुलंद की गई करबला में। कौन सी आवाज थी? यह सब विलायत की आवाज है, यह सब विलायत की आवाज है। इस विलायत की हकीकत विलायत से सिर्फ मोमिनीन को आशना करना है, जो पहले से शिया है उन्हें बताना है कि शियत क्या है, जो पहले से मुसलमान है उन्हें बताना है कि इस्लाम क्या है। इस कुरए अर्ज पर, या आप जो आशूर के दिन या अरबईन के दिन जुलूस आजा लेकर निकलते हैं रास्तों पर, किस लिए निकलते हैं? मकसद क्या है आपका, हदफ क्या है? आम शाहराहों पर जहां हर इंसान को गुजरने की इजाजत है और वो हर शख्स की प्रॉपर्टी है, वहां आप किस लिए गुजर रहे हैं जुलूस लेकर? कोई मकसद है ना, वो मकसद क्या है? पैगाम ये देना है कि ऐ इंसानों सुनो, ठहर के जरा हमारी बात, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई पैगाम है। ऐ शियो नहीं, ऐ मुसलमानों नहीं, ऐ अरबों नहीं, ऐ इंसानों ठहर के जरा हमारी बात सुनते चले जाओ, ये सीने पे जो हम हाथ मार रहे हैं ये सीना तुम्हारे लिए, ये दिल धड़क रहा है, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे आलाम, तुम्हारे मसाइब पर हम रो रहे हैं। सुनो विलायत का पैगाम, सुनो, सुनो उसकी बात जो ज़बह किया गया है अदल और इंसाफ की खातिर। ये पैगाम आपको पहुंचाना है, विलायत का पैगाम। मफहूम विलायत को महदूद ना कीजिए, फैजान विलायत को आम कीजिए पूरी दुनिया में। फरीदा है फरीदा, मैं कोई सियासी गुफ्तगु नहीं कर रहा हूं, हर हर फर्द बशर के लिए अगर आपके दिल में कोई दिल सोजी नहीं है तो आप असलन इंसान नहीं है, और अगर आप इंसान हैं तो हर फर्द बशर के लिए दिल सोजी होगी, और उस दिल सोजी का तकाजा यह है कि जो उसके लिए फायदे की चीज है उसको उससे आशना करें। जब तक आप पूरी दुनिया में हर हर फर्द बशर को हकीकत विलायत, तसव्वुर विलायत, मफहूम विलायत, मिसदाक विलायत, फैजान विलायत, बरकात विलायत समझाएंगे नहीं, अमलन निज़ाम विलायत समझाएंगे नहीं, उस वक्त तक वली आखिर जहूर कैसे फरमाएगा, हक कैसे अदा होगा, कैसे आप मुंह दिखाएंगे फरजंद जहरा को और मुंतकीम खून हुसैनी को, कैसे आप कहेंगे आका हमने अपनी पलकों से, अपने सीने से आपके आने के लिए राहें हमवार कर दी,
वली अली वली का नाम सिर्फ आफियत कोशी के लिए ना लें, कुर्बानियां पेश करने के लिए लें। अली का नाम अपने लिए सिपर ना बनाओ, अली का नाम शमशीर बनाओ। फर्क है, अली का नाम सिपर बनाना बहुत अच्छी बात है, अली का नाम शमशीर भी तो है। वाज़ेह है, आफियत कोशी से काम नहीं चलेगा, हर शख्स अपनी हिफाजत में लगा हुआ है और उस हिफाजत में तकिया और तकिये से बढ़कर न जाने कितना तकिया दर तकिया दर तकिया दर तकिया, एक ज़िरह पर ज़िरह, ज़िरह पर ज़िरह, ज़िरह पर ज़िरह, पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा डाले चले जा रहे हैं। पता नहीं खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। मासूमीन ने तो अपने जनाजे पामाल करवा दिए, हम उनका नाम लेते हैं सिर्फ आफियत कोशी के लिए। सुबह से शाम तक पांचों नमाजों में और नमाज शब में परवरदिगार हमें महफूज रखना, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को महफूज रखना, परवरदिगार हमें महफूज रखना, हमें हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई दुख ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आफियत कोशी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए आफियत कोश नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए आफियत कोश नहीं होना चाहिए। वाज़े है, ज़रा सख्त हो गया यह पैगाम, ये आसान नहीं है। दिन रात आफियत की दुआएं बहुत अच्छी बात है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो सलाम ने पूछा था खलवत में तन्हाई में, या रसूल अल्लाह खुदा से मांगे तो क्या मांगे। क्या लतीफ़ अशीरी रिवायत है, ये शीरी और लतीफ़ रिवायत वही है कि जो आया नजवा से मुतालिक है, जब अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हुक्म फरमाया कि देखो रसूल से अब आके जो गुफ्तगू करना चाहे पहले सदका दे फिर आए। ये कुरान मजीद में एक वाहिद आयत है और वाहिद हुक्म खुदा है कि जिस पर सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के और किसी ने अमल नहीं किया। तारीख गवाह है, तफसीर गवाह है, सब गवाह हैं, इसमें किसी ने शक नहीं किया कि जब ऐलान हो गया कि सदका दो तब रसूल से बात करो तो बड़े बड़े गनी उनके ख़जानों पर ताले लग गए। सदका देने के लिए एक खजूर भी नहीं थी, अधकटी खजूर भी किसी को मैसर नहीं आई कि सदका दे के बराए नाम सदका दे के रसूल से आके गुफ्तगू कर लेता। तारीख़ है, तारीख़ ज़िंदा तारीख़, सरमायादार अग़निया कोई नहीं आया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु सलाम जो कभी बचा के कुछ रखते ही नहीं थे, जितने लोग मोहर बंद करके खजाने रखते जाते थे अली तकरीबन उसे कमाते थे और लुटा देते थे, कमाते थे और लुटा देते थे, कमाते थे और लुटा देते थे। तो एक दीनार था उस वक्त हजरत के पास, एक दीनार को जाके पहले बाजार में खुर्द कराया, जिसे आप कहते हैं भुनाया, चेंज लिया उसका, तो 10 दिरहम मिले। अली नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह बखील नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह कह रहा हूँ हज़ार बार नऊज़ुबिल्लाह, लेकिन उस एक दीनार को पहले जाके 10 दिरहम में बदला। ये सब हुज्जत तमाम करना है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 10 हुज्जतें तमाम करूँगा। और उसके बाद एक दिरहम जाके सदका दिया और हुजूर के पास गए, फिर आए, फिर दूसरा दिरहम सदका दिया, फिर हुजूर के पास गए, फिर आए, फिर तीसरा दिरहम सदका दिया, फिर हुजूर के पास गए। 10 दिरहम 10 बार सदका देकर हुजूर के पास तशरीफ ले, और अभी तक कोई दूसरा दरमियान में नहीं आया। गौर फरमाया आपने, तो ये बहुत, ये इस पर तो पूरा, खुद इस पर पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने हवाला दिया कि इसी सिलसिले गुफ्तगु में अब कोई नहीं है, यहाँ पर हुजूर हैं और अमीरुल मोमिनीन। मगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार पूछा, या रसूलल्लाह अल्लाह से मांगे तो क्या मांगे। जो लोग अली अल्लाह कहते हैं सुने गौर से, रसूल से अली पूछ रहे हैं अल्लाह से मांगे तो क्या मांगे, ये भी अल्लाह से मांगते हैं, ये अब्द हैं,
ये अब्द हैं, अल्लाह ने विलायत कुबरा इन्हें अता की है, लेकिन ये इनकी शान बंदगी है कि उससे मांगते हैं। और इसी लिए इन्हें मिली है कि ये सच्चे दिल से उसी से मांगते हैं। इन्हें विलायत मिली इसीलिए, इन्हें विलायत मिली इसीलिए। तो कहा या रसूल अल्लाह क्या मांगे अल्लाह से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक फकरा फरमाया आफियत। ये भी पैगाम जहन में रहे, मौला अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से पूछ रहे हैं तन्हाई में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मैं तलब करूं तो क्या तलब करूं? और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं आफिया, अल आफिया, आफियत तलब करने की, मगर कौन सी आफियत और किस राह में आफियत, मसला ये। अगर आपके और हमारी तरह सतही तसव्वुर आफियत हो तो फिर अली 18वीं 19वीं रमजान को घर में बैठे रहेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, वाज़े है। अगर हमारी आपकी तरह आफियत कोश हो तो मस्जिद में तशरीफ नहीं ले जाएंगे। अली अपनी जात के लिए, इस जिस्म मादी के लिए, इस दुनिया के लिए आफियत कोश नहीं है, अपनी दुनिया और दुनियावी जिंदगी को बचाने के लिए आफियत कोश नहीं है। हकीकत तौहीद, उकबा, आखिरत, वो हमें सिखाया है कि उसको बचाने के लिए आफियत कोशी चाहिए। अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आफियत तलब करो खुदा से। वही जो हदीस कुदसी में है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, इसमें जो आ गया महफूज हो गया, वो आफियत तलब करो। विलायत अली इब्न अबी तालिब महफूज किला है, जो उसमें आ गया वो महफूज हो गया, वो आफियत तलब करो। लेकिन खुद तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए, विलायत का पैगाम पहुंचाने के लिए मुकाबला करना होगा, जिहाद करना होगा, जंग करनी होगी, खुद को कुर्बान करना होगा, बीवी बच्चों को कुर्बान करना होगा, इज्जत आबरू कुर्बान करनी होगी, मालो दौलत कुर्बान करनी होगी, घर लुटाना होगा। यहां आफियत कोशी नहीं। अजीजा ने गिरामी दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करो, आज 40 सैयद बहुत कुछ अर्ज करना चाहता था लेकिन मेरा ख्याल है इतने इशारे काफी। निजाम विलायत को आशना करें, से आशना करें हर हर फर्द बशर को। और जो यही बात मैंने दूसरे अंदाज से कही थी मुहर्रम में गालिबन इब्तदाई तारीखों में कि हमारा और आपका फरीजा यह है कि इस कुरे अर्ज पर कोई एक भी फर्द ऐसा बाकी ना रह जाए जो नामो पयाम हुसैन से आशना ना हो। बस गुफ्तगू रोक रहा हूं कबल इसके कि मेरी ताकत बिल्कुल साथ छोड़ जाए। बहुत से मबाहिस, बहुत से निकात, बहुत से अनामीन, बहुत से कैप्शंस जहन में थे कि कम से कम कैप्शंस तो आपके सामने जिक्र कर दूंगा ताकि फिक्र के आफाक खुल जाएं, बहस करते रहें आप। लेकिन बहरहाल अब ताकत नहीं है, वक्त नहीं है, अब वो कैप्शंस भी जिक्र नहीं कर सकता, फिर कभी इंशाअल्लाह। विलायत गदीर से विलायत फकीह तक और विलायत फकीह से विलायत गदीर तक ये आपका निज़ाम फिक्र होना चाहिए और निज़ाम अमल, निज़ाम फिक्र और निज़ाम अमल। और इसमें आखिरत की आफियत तलबी तो कीजिए मगर दुनिया की आफियत कोशी ना कीजिएगा। दुनिया की आफियत कोशी मैदान जिद्दो जहदो कद्दो काविशो सई में आपको रोक देगी, इर्तिका का सफर रुक जाएगा। बजाए उरूजो इर्तिका के जवाल और तनज्जुल शुरू हो जाए, जिसमें मुब्तला है पूरी उम्मत, पूरी उम्मत मुब्तला है जवाल और तनज्जुल में। ये जवाल और तनज्जुल बदलेगा और ये उरूज और इर्तिका का सफर तय होगा तो सिर्फ एक आलम के नीचे, वो आलम विलायत है। सिर्फ एक आलम के नीचे और वो आलम विलायत है। वही आलम जिसे मैं कहता हूं, वही आलम आलम तौहीद है, वही आलम आलम विलायत है, वही आलम आलम अब्बास है। बस गुफ्तगु तमाम, बहुत सी बातें रह गईं। जिन हजरात के जहनों में सवालात होंगे वो सवालात मुझे भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। लेकिन अब आज तो एक पैगाम समझ के इतनी गुफ्तगु कर ली, वरना मुझे अंदाज़ा है खुद मैं जब खुतबा पढ़ रहा था उस वक्त भी दिल भर आया था और आँखें उमंड आई थीं और जी चाह रहा था कि बस मसाइब पढ़ूँ, और आप सब भी आज मुंतज़िर हैं मसाइब सुनने के। इसलिए कि
रोजे अरबईन है। देखिए ये कुछ अवकात ऐसे होते हैं, कुछ शब रोज ऐसे होते हैं, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहां कुछ बयान करने की जरूरत नहीं होती। एक मोमिन के लिए कुछ बयान करने की जरूरत नहीं होती, निस्बत कल्बी उस्तवार रहे, मौला से, वली बरहक से, इमाम से, आका हुसैन से दिल का रिश्ता उस्तवार रहे, बस खुद ब खुद हकायक रोशन होते हैं, मसाइब के मनाजिर आंखों के सामने आ जाते हैं, फजाइल मनाकिब मसाइब आंखों के सामने आते रहते हैं और दिल भर आता है। इंसान उस इश्क के जज्बे से, उस अलाके खातिर से गिरिया करता है, किसी रिवायत के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर एक इंसान मोमिन मुतवज्जे हो जाए आका हुसैन की तरफ, और मुतवज्जे होने के लिए तो क्या क्या सलीक़े सिखाए गए हैं। अर्ज़ करूँ, इस वक्त पूरे कुरे अर्ज़ पर एक वबा फैली हुई है, इस वक्त जितने लोग जाना चाहते थे ज़ियारत आका के लिए नहीं जा पाए, मुझे मालूम है, तड़प रहे हैं, उनमें से ख़ुद एक मैं हूँ। ये दिल में थी बात कि काश हालात बेहतर हों तो हम करबला पहुँच कर कहें अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैक या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैक या वारिस इल्म नबीयीन। लेकिन नहीं जा सके, ये बला, ये वबा, ये आलमी सियासत, ये बीमार सियासत और ये कोरोना की वबा। परवरदिगार बहक ज़िक्र इमाम इस वबा से इस कुरे अर्ज़ को पाक करे, आप सबको तौफीक अता फरमाए। लेकिन याद रखिए, हमारे मासूमीन ने हमें सलीक़े सिखाए हैं, तरीक़े सिखाए हैं, हर हाल में आप हुसैन को याद रख सकते हैं। फरमाया, अगर तुम नहीं जा सकते, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, गुस्ल ज़ियारत करो, इमाम की ज़ियारत की नीयत से इरादा करो, गुस्ल करो और घर से निकल के ज़ेर आसमान खड़े हो जाओ, क़िबले के रुख तवज्जो करके, क़िबले रुख खड़े हो जाओ, क़िबले की तरफ तवज्जो करके, और एक मरतबा दाहिनी तरफ आसमान को देखो, एक मरतबा बाईं तरफ आसमान को देखो, और उसके बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहो अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्ला। तुम्हारा सलाम आका तक पहुँच जाएगा और बेपनाह सवाब मिलेगा। बाज़ रिवायतों में कि एक उम्रे का सवाब है, एक उम्रे के बराबर सवाब है इस फ़िक्रे का, इस अंदाज़ से तुम कहीं भी हो रुए ज़मीन पर, और ये अमल आप रोज़ कर सकते हैं, सिर्फ अरबईन के लिए मखसूस नहीं। हदीथ है मासूम से हदीस है, मोतबर सनद के साथ, ये अमल आप रोज़ कर सकते हैं और एक उम्रे मकबूला का सवाब हासिल कर सकते हैं कि आप ज़ेर आसमान जाएँ और कहें अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्ला। मैं बहुत गौर करता रहा कि आखिर ये दाहिनी जानिब देखना और बाएं जानिब देखना, ये अदब क्यों सिखाया गया, ये एक मुशाबहत है, एक कैफियत है कि जिस वक्त इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे, दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया जो हुसैन को उस वक्त घोड़े पे सवार करता। कितनी कैफियतें हैं जो इस तरह आदाब का हिस्सा बना दी गई हैं। अगर इंसान का जहन बेदार हो, ज़मीर बेदार हो, बस आज ज़ियारत अरबईन है, जो अलामात मोमिन में से है। मैं अर्ज करूं, विलायत कुबरा का मैंने तस्करा बार बार किया और हक अदा नहीं हो पाया। विलायत जर्रे जर्रे से लेकर और तमाम अजराम समाविया तक विलायत कुबरा आम है। ये विलायत कुबरा हयात से, ज़ाहरी से लेकर और शहादत के बाद भी आम है। हमारे यहाँ ज़ियारत का कलिमा है ज़ियारत, और हम ज़ियारत कब्र हुसैन नहीं कहते, ज़ियारत हुसैन कहते, ज़ियारत कब्र हुसैन नहीं कहते, हम ज़ियारत हुसैन कहते हैं। ज़ियारत यानी मुलाकात,
जब एक शख्स जाके कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो यकीन फरमाए शहादत देते हैं, खुद जियारत में भी है और दूसरी रिवायतों में भी है, सही सनद रिवायतों में आका आपका सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। मगर हाँ, ये एहतमाम इलाही है, हिकमत इलाही है, मशीयत इलाहिया है कि हमें आका की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह और हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो हमें जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का वो जुमला भी याद आ जाता है कि रोज़ अरबईन जब जाबिर करबला गए थे, जाबिर रसूलुल्लाह का वफादार सहाबी, अहले बैत का आशिक सहाबी, जाबिर जब रोज़ अरबईन पहुँचे थे करबला, तो जाबिर की दोनों आँखें बेनूर थीं, बुढ़ापे के सबब से कुछ नज़र नहीं आता था। जाबिर के साथ अतिया या अता नामी एक साथी थे और कहते हैं कि आपके ग़ुलाम थे, आपके ग़ुलाम भी रहे होंगे साथ में, ज़ाहिर है कि इतना तूल तवील सफ़र तन्हा नहीं किया होगा उस अज़ीम शान व जलील क़द्र सहाबी ने, जो भी साथ में थे, अतिया थे, अता थे, ग़ुलाम थे। पहले जाबिर ने जाकर फुरात में गुस्ल किया और उसके बाद पाकीज़ा तरीन लिबास ज़ेबे तन किया, खुशबू से अपने आप को मुअत्तर किया और उसके बाद अपने ग़ुलाम से कहा मुझे आका की कब्र के पास ले जाओ। जब इमाम हुसैन की कब्र के करीब पहुँचे, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बेताबाना तीन मरतबा कहा और उसके बाद खुद को कब्र पे ये कहते हुए गिरा दिया, क्या बात है कि मैं पुकार रहा हूं तुम मुझे जवाब नहीं देते, हुसैन क्या बात है मैं पुकार रहा हूं तुम जवाब नहीं देते, और फिर खुद ही जवाब दिया, कहा कि हाँ हाँ कैसे जवाब दोगे, इसलिए कि मुझे मालूम है तुम्हारा जिस्म यहाँ जेर खाक है लेकिन तुम्हारा सर तो नोक के नैजा पर दयार बदयार फिराया जा रहा है। जनाब जाबिर, हाँ बाज़ हज़रात सवालात करते हैं, मैं बहुत मुख्तसर लफ्जों में जवाब अर्ज कर रहा हूँ। बाज़ हज़रात शुकूक व शुभात वारिद करते हैं कि क्या वाकई शाम से पलट के आने वाला असीरों का काफिला और जाबिर का काफिला एक साथ उसी साल रोज़ अरबईन करबला में जमा हुआ था या नहीं। यकीन फरमाइए उसी साल, ये वाकया दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसी साल दमिश्क से छूटकर वो असीरों का काफिला आया और इधर से जाबिर आए। जाबिर कब्र पर थे कि एक मरतबा और जाबिर ने एहतियातन अपने ग़ुलाम से और साथियों से कह रखा था, देखो अगर कहीं गुबार बुलंद हो, कोई आता हुआ नज़र आए तो मुझे बता देना, ऐसा न हो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का या यजीद का कोई सिपाही आ रहा हो जो हमारे लिए सबब आज़ार बन जाए। एक मरतबा गुबार उठा, लोगों ने कहा जाबिर, अबू अब्दुल्ला, जाबिर कुछ गुबार उठ रहा है, लग रहा है कुछ सवारियाँ आ रही हैं। जाबिर ने कहा ज़रा देखो आगे बढ़ कर कौन आ रहा है। जाने वाले गए और वापस आए और खुश भी थे लेकिन गिरियाँ भी थे, या आने वाले खुश भी थे और रो भी रहे थे। जाबिर से लपट लपट के एक एक ने कहा ये दुश्मन नहीं आ रहे हैं, ये आका हुसैन की बहन और आका हुसैन का बेटा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो तशरीफ ला रहे हैं, ये ज़ैनब है जो शाम से वापस आ रही हैं। अब जनाब जाबिर की कैफियत अजीब थी, आगे बढ़े बेताबाना अपने ग़ुलाम के सहारे से और जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दस्त बोसी कदम बोसी करते हुए मशगूल बैनो बुका हो गए, बुरसा दे रहे थे, उधर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया फरमा रहे, इधर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी गिरिया फरमा रहे, और फिर ये खुद हटे, बीबियाँ आई, ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, एक रिवायत जो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और उमूमन मिंबरों से नहीं पढ़ी जाती, रोज़ अरबईन की खास एक खसूसियत जो उमूमन नहीं पढ़ी जाती, मैं नहीं समझता किस तरह से वो मंजर पेश करूं। रिवायात अहले बैत, सही सनद रिवायात अहले बैत से ये साबित होता है कि ज़ैनब तना नहीं आई थी, शाम से करबला तक एक गठरी सी अपने सीने से
अब एक खजाना अपने सीने से लगा के आई थी, ये खजाना हुसैन का कटा हुआ सर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, फिर कब्र मुतहर के सिरहाने से खोदना शुरू किया, कब्र को खोला और उसके बाद वो सर मुबारक जिसमें मुबारक से जोड़ कर रखा, मैं कैसे वो मंजर बयान करूं, कैसे ज़ैनब ने आखिरी बार भाई के पेशानी को बोसा, किस तरह से रबाब ने आखिरी बार हुसैन के चेहरे को देख कर कहा आका खुदा हाफिज़। अरे किस तरीके से जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाबा के इल्म और रुखसार को, बाबा की पेशानी को चूम के कहा होगा बाबा खुदा हाफिज़, हुसैन का सर मुतहर दफन किया गया, हुसैन का सर मुतहर दफन किया गया और मुसलसल आहो बका मजलिस व मातम का सिलसिला रहा, चंद रोज कयाम रहा, बस आखिरी फकरे अर्ज कर रहा हूं, चंद रोज कयाम रहा। उसके बाद अजीजाने गिरामी बस एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आले मोहम्मद का घराना था, इमाम से लेकर मामूम तक इस घराने में मर्द से लेकर औरतों तक, खवातीन तक, मुखद्दरात इस्मत व तहारत तक, बल्कि बच्चों तक, हर शख्स हर फर्द अपने अपने फरीजे से भी आगाह था, मालूम था हमें क्या क्या फराइज अंजाम देने हैं, मालूम है कहाँ कहाँ पैगाम इलाही, पैगाम तौहीद, पैगाम विलायत पहुँचाना है, मालूम था। इसलिए आहो बुका मजलिस व मातम का सिलसिला रहा, लेकिन बिल आखिर इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अब हमें मदीने जाना है, और सब तैयार हो गए, ज़ैनब भी तैयार हो गई। जो रिवायत मोतबर तरीन किताबों में मैंने खुद पढ़ी है, उस रिवायत की तर्जमानी करना चाह रहा हूँ कि आका तैयार हुए, ज़ैनब तैयार हो गई, उम्मे कुलसूम तैयार हो गई, तमाम बीबियाँ तैयार हो गई, बस एक बीबी थी जिसने कहा मुझे मदीने न ले जाओ, मुझे यही करबला में छोड़ दो, ये बीबी कोई और नहीं, ये बीबी रबाब थी, सकीना की माँ रबाब और असगर की माँ रबाब, इमाम हुसैन की बहुत चहीती बीबी रबाब। रबाब ने कहा मुझे मदीने न ले जाओ, मैं मदीने जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अजीजों ने गिरामी, यहाँ सवाल पैदा होता है, बस आखिरी फकरा खुद ही अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी फकरा रिवायत की तर्जमानी गौर कीजिए, आखिर किसी बीबी ने इनकार नहीं किया, इस बीबी ने क्यों इनकार किया, इस बीबी ने क्यों इनकार किया, और अगर इनकार ही करना था तो शाम में इनकार क्यों नहीं किया, शाम में क्यों नहीं इनकार किया। अरे एक बात अर्ज करूं, खवातीन सुन रही है बतौर खास, अरबईन है अरबईन, याद रखे किसी खातून का, किसी बीबी का, किसी औरत का जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा माँ बाप के सहारे से बसर होता है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू हो जाती है, तो शौहर का सहारा होता है, और जब शौहर भी नहीं रहता तो औलाद का सहारा, जब शौहर नहीं रहता तो औलाद का सहारा होता है। करबला में असगर शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, करबला से शाम तक अगर रबाब गई तो सकीना की खातिर, मगर जब सकीना भी कैद खाने शाम में रुखसत हो गई तो अब रबाब के लिए अख्तियार था, चाहती तो शाम में रहती, चाहती तो करबला में रहती, चाहती तो मदीने में जाती, मगर बीबी ने शायद ये तय किया कि असगर छोटा था सकीना बड़ी थी, और फिर करबला में असगर भी है और आका हुसैन भी है, इसलिए बेहतर यह है कि करबला को इख्तियार करे, न शाम में रहेंगे न मदीने रहेंगे, बेटा सज्जाद मुझे करबला में छोड़ दो, मैं करबला में रहूंगी, यही फरियाद थी जो रोज़े अरबईन जनाब रबाब की जबान पर बुलंद थी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन,
रिवन बेकवाही व तस्लीम अल्लाह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद हमारे सीनों में चराग तौहीद रोशन रहे, हमारे हाथों में दामान ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार माबूद हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पर गामजन रहे। परवरदिगार मेरे माबूद वली आखिर को इसने ज़हूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत व अदालत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन।